ज्ञान पोर्टल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान पोर्टल चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और घंटी बटन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद। आपकी नोटिसें हमें डरा देंगी तो नहीं, आप गलत फहमी के शिकार हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। नाम नहीं लूंगा, जान जाएंगे कि मैं गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूँ। रोज पाकिस्तान का टिकट देते रहते हैं। मैं तो सोचता हूँ उनका इमरान खान से कोई टाइप है क्या, तो सीधे पाकिस्तान की ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं। अरे भाई, भेजना है तो अमेरिका भेजो, लंदन भेजो, जापान भेजो, क्या पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश में हमें भेजते रहते हो। और अगर हमसे ज्यादा मोहब्बत है तो भाई सऊदी अरब का वीजा ले दो, जाए उमरा उमरा करके वापस लौट आए, कम से कम मुकद्दस जगह देख के लौट आए। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। के ख्वाब तू देखने लग गया कौन से। अमित शाह साहब ने लिखित तौर पर संसद में गृह मंत्रालय ने दिया कि फिलहाल एनआरसी लाने का कोई इरादा नहीं है। अच्छी बात है, जो कह रहे थे एक इंच पीछे नहीं हटेंगे वो कई इंच पीछे हटे, लेकिन अमित शाह साहब उसमें जो आपने फिलहाल लगाया है ना, हमें उस पर एतबार नहीं है। ये फिलहाल लफ्ज बड़ा बेवफा लफ्ज है। आजकल तो गानों में भी बेवफाई के मायने में इसका इस्तेमाल हो रहा है कि तुम तो मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाए। हमें आपके इस बेवफा लफ्ज पे एतबार नहीं है और आप पर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए देश की संसद को, सुप्रीम कोर्ट को लिखित तौर पर दीजिए कि आप इस देश में न तो एनआरसी लाएंगे, न चोर दरवाजे से एनपीआर लाएंगे, और सीए नाम का जो कानून लाए हैं जो इस देश में पहले से नागरिकता देने के लिए मौजूद है, अपने मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं आप, उसको भी वापस लेंगे तब हम उठेंगे। वरना आप नोटिसें भेजते रहिए, आप लाठियां बरसवाते रहिए, आप गोलियां चलवाते रहिए, हम नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। ख्वाब तो देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी है कोई संभालिए, हमने झेले हैं दुनिया में फिर ओन से, जो जामिया में पढ़ता था। इस देश में नहीं बल्कि
पूरी दुनिया ने पहली बार ऐसा मंजर देखा कि लाइब्रेरी जो अदब और पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे मुकद्दस जगह होती है, वहां पुलिस ने घुस करके लाठियां बरसाई, वहां घुस करके आंसू गैस के गोले छोड़े और एक बच्चा जो आपके समस्तीपुर था, समस्तीपुर का, उसकी आंखें फोड़ दी पुलिस ने मार करके। वो एक आंख से नाबीना हो चुका है। मैं तो अमित शाह से कहना चाहता हूं कि हो सकता है हम आपको पसंद ना हो, आपके सियासी एजेंडे में फिट ना बैठते हो, लेकिन अमित शाह साहब, रिश्तों की ये नाजुक डोरी थोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती है। आप इस देश के बच्चों की आंखें फुड़वा देंगे, आप बच्चों के सीने पे गोलियां मरवाएंगे, आप लड़कियों के, जिस तरह से निहत्थी लड़कियों पे लाठियां बरसी हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। मैं यहाँ खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूँ साहब, के हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ, हम पे बस यही साजिशें हर तरफ, पहले बरसता था पराज तलक, खून ही खून की बारिशें हर तरफ, खून ही खून की बारिशें हर तरफ, हम लाशों का मातम मनाते रहे, तुम सियासी बिसाते बिछाते के बाजार को, इस कहानी के खूंखार किरदार को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मीडिया के सारे कार्टून आया कि इमरान साहब एक करोड़ 4 लाख रुपए का नोटिस है, क्या करिएगा आप, तो आप डर जाइएगा, तो आप चुप हो जाइएगा। मैंने कहा आप गलतफहमी के शिकार हैं, इमरान नाम चुप होने वाले इंसान का नहीं है। आप भेजिए हमें नोटिस, हम तो अलग ऐलान खड़े होकर के कहेंगे कि सच बात की पैरोकारी है, झूठ पे सच धारी है, हर क्योंकि आज मैं आपके बीच इसलिए खड़ा हूँ, मैं इसलिए आपके बीच खड़ा हूँ, मुझे खड़े होने की सजा दी जा रही है, मुझे आपकी आवाज उठाने की अगर सजा दी जा रही है तो ऐसी हजार सजाएं कबूल है मुझे, लेकिन पीछे हटना कबूल नहीं है। सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे सच भारी है, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को, सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना, एहसास की शिद्दत मरहम है, ये लहराते हुए तिरंगे, ये आपकी मौजूदगी हजारों हजार की तादाद में, छतों पर ही इतने लोग मौजूद हैं जितने आम प्रोटेस्ट में रहते हैं, तो जमीन पर तो जो लोग हैं उन्हें तो अलग से सलाम। के एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, है, मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को, सरकारों से क्या डरना,
क्या डरना। शाहीन बाग को करंट लगाने के लोग बात कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे लोग, इमरान आपका क्या स्टेटमेंट है इस पर। तब मैं उस वक्त भी कह रहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि झूठों का नारा हारेगा अल्लाह, हमारा हारेगा। मुझे बता रहा सुनने तो प्यार करवा दो रानी बाग मालूम मालूम सवाल हो कि झूठों का नारा हारेगा अल्लाह, हमारा हारेगा। आमीन कहो आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। ये धमकियां मिलेंगी, लाठियां बरसेंगी, मुकदमे होंगे, लेकिन जब जंग पे निकले हो तो, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को, सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। नहीं डरेंगे इस बार, नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो हैं जिनके अजदाद ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। डरना मत, बिल्कुल मत डरना, क्योंकि आप वो हैं जिनके बुजुर्गों ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं, आप वो हैं जिनके अजदाद ने दरियाओं में रास्ते बनाए हैं, आप वो हैं जिनके पुरखों ने जब तलवारें उठाई हैं तो फिरंगियों को लंदन खदेड़ के दम लिया है, आप वो हैं जिनके अजदाद के घोड़ों की दुनिया नापी है। आप तब नहीं डरे जब 72 थे, आप तब नहीं डरे जब 313 थे, तो आज किस बात का डरना। आज तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है, आज किस बात का डरना। हम डरेंगे नहीं, 27 दिनों से ये आंदोलन इसी रफ्तार, लेकिन मुझे लगता है कि पहले दिन जो जुनून था आपके अंदर उसका 10 गुना ज्यादा जुनून मुझे आज नजर आ रहा है। ये जोश और जज्बा बरकरार रखिएगा कि मेरा सन्नत मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। अगले जो मिसरा आएगा ना, बस उस पे आपकी दुआएं मुझे चाहिए, पहुंचाइएगा नफरत करने वाली तमाम ताकतों तक कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आजकल हर दिन कोई ना कोई ऐसे इनबॉक्स में सवाल पूछने आ जाता है फेसबुक पे ट्विटर पे कि तुम तो पाकिस्तान की तरफ हो गए, तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं उसे पलट के एक तस्वीर भेजता हूँ और उससे इतना कहता हूँ कि मेरे भाई तू जो मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांग रहा है, ले मैं तुझे एक तस्वीर भेज रहा हूँ। एक हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने अपने हाथों में तिरंगा लेकर के खड़ा है। मैं वो तस्वीर और नीचे बस इतना लिखता हूँ कि मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई देख, मैंने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। सोचता हूँ तो मेरी
सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंदे पढ़ता हूँ, ये जो आपके यहाँ एक आइटम पाए जाते हैं, नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान रोज भेजते रहते हैं, ऐसे बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन अब उनसे कहो कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकान पे पांव के आंवले देखे, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? लड़ेंगे और हुकूमत से तो जो कहना है वो कहेंगे ही, लेकिन इन नफरती चिंतुओं से ये जरूर कहेंगे कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। और अगले जो दो मिसरे हैं बाघ छत पे खड़े हैं, तो बिल्कुल जेब में हाथ बंद करके उनकी भी ताली उठनी चाहिए। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहे अगले दो मिसरों पर कम से कम 30 से 40 सेकंड आपकी तालियों का शोर जाए ऐसे लोगों तक जो इमरान अब पढ़ने जा रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। चौथी लाइन पर नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बातों की छोड़ो इसी साल चले तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ। आप बैठे रहे, आप बीच में बैठ रहे होते हैं। सलामत रखना। सारे लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा।
जाएंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रुई की तरह जाएंगे हम महकूमों के पांव तले जब भरती धड़केगी हम देखे इस सभा को हम करेंगे मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ बीजेपी को दफा करो अरे अपने देश से वफा करो अपने देश से वफा करो अपने देश से वफा करो हर बोल साथी हल्ला बोल हर मैं भी बोलो तू भी बोल हर बोल साथी हल्ला बोल रानी बाग